डीआरडीओ ने तैयार किया है एरोस्टेट जिसमें लगे हैं जासूसी आंख और कान। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत और समापन के दौरान सबकी नजर इस शानदार एरोस्टेट पर टिकी रही, लेकिन ऐसे एरोस्टेट सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होते। डीआरडीओ ने ऐसा ही एक एरोस्टेट रडार बनाया है। किसी बड़े बैलून की तरह दिखने वाला ये रडार आसमान में स्थिर रहता है और जमीन से जुड़े केबलों पर टिका होता है। इसमें लगे कैमरे और सेंसर जादुई आंख और कान का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आगरा में बाकायदा इस रडार का सफल परीक्षण हो चुका है। फिलहाल इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है, जिसे आगे 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकेगा। लगातार एक महीने तक हवा में टंगे रहने की क्षमता वाले इस एरोस्टेट का इस्तेमाल नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा निगरानी और इमरजेंसी सेवाओं में भी किया जाएगा। अभी तक इन्हें विदेशों से मंगाया जाता था, जिसके मुकाबले अपने देश में बने एरोस्टेट की कीमत सिर्फ 1/4 होगी। इसे विकसित करने में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत आई है। आगरा से नसीम अहमद के साथ नई दिल्ली से राजीव रंजन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।